यकीन जानिएगा, आलम नूरानियत में हुसैन के वजूद से लेकर शहादत हुसैन तक और शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर जन्नत की सरदारी तक का सारा अहवाल इजमाल के साथ या तफसील के साथ कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा दावा कर दिया मैंने। सुभान अल्लाह, आलम अनवार में हुसैन के नूर से लेकर विलादत हुसैन से लेकर शहादत हुसैन से लेकर जन्नत की सरदारी तक का सारा अहवाल इजमाल या तफसील के साथ आपको कुरान करीम में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन इस दावे को साबित न कर सकूं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा। सलामत रहें। अच्छा, आप किसी के जहन में डाउट ना हो जाए कि मौलाना ने ये बात कैसे कह दी, एक एक लफ्ज में एक एक जुमले में सुना देता हूँ ताकि तसल्ली भी हो जाए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हुसैन उन कलमात में शामिल हैं जो हजरत आदम को इल्का किए गए थे, जिनके जरिए हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया गया था। वाह 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 वाह। आयत भी सुनते जाए, आयत नंबर कम से कम, आयत सारी पढ़ने का वक्त, सूरह बकरा आयत नंबर 37, आयत नंबर 124 जाके देख लीजिएगा। हुसैन उस आले इमरान में शामिल है जिसे रब ने मुस्तफा किया है यानी चुना है। सुभान अल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33। हुसैन की वालदा आपकी विलादत के वक्त मगमूम थी, जानते हैं ना आप, इसका जिक्र भी कुरान में। सुभान अल्लाह। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 जाकर देख लीजिएगा। क्या कहने, हुसैन सूरह कौसर का मिज़दाक है, सूरह कौसर सबको मालूम है, शजरे तैयबा में शामिल है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24। सुभान अल्लाह। आए नूर में हुसैन शामिल है, आप जुजाजा है जिस आए नूर की मैं तिलावत करता रहा हूं आपके सामने। सुभान अल्लाह, बेशक। यानी हुसैन शीशे की वो कंदील है कि जिससे नूर पंजतन सारे आलम में फैल रहा है। सुभान अल्लाह। सूरह नूर आयत नंबर 35। आप आए मवद्दत में शामिल हैं, आप आए तथहीर में शामिल हैं, हुसैन आए मुवाहिला में शामिल हैं, मशहूर आयात का हवाला देने की जरूरत नहीं है। आप मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सूरह तहर आप काफ हा या ऐन स्वाद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। इनमें से अगर एक के लिए भी मैं कोई हदीस 14 मासूमीन से पेश ना कर सकूं ना तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं मिंबर पर नहीं आऊंगा। सलामत रहे, सलामत रहे। सूरह मरियम आयत नंबर 1। आप है काफ हा या ऐन स्वाद, आपकी शहादत मजलूमाना है और आपके फर्जंद मेहदी आपके खून के वारिस है, इसका जिक्र भी कुरान में। सुभान अल्लाह। सूरह इसरा आयत नंबर 33। आपसे बेअजीम है, सूरह साफात आयत नंबर 107। अल्लाह ताला ने आपके कातिलीन को रूए जमीन का सबसे सरकश इंसान कहा है, सूरह इसरा आयत नंबर 4 और 5। सुभान अल्लाह। नस्ल इमामत हुसैन से जारी है, इसका जिक्र भी कुरान में। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 28। वाह। हुसैन की शहादत पर अल्लाह ने खुद हुसैन को वापस बुलाया है, सूरह फज्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जब पलटे अल्लाह के पास तो अल्लाह के खास बंदों में शामिल हुए, यही सूरह फज्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैन नूर मुजस्सम है, बेशक बेशक। आलम अनवार से लेकर शहादत से लेकर जन्नत तक का एक एक जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर रखा है। मैंने आयात आपको सुना दी, उसके निशान आपको बता दिए, उसके बाद जाके खुद देख लीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क तो खुद भी कर लीजिए।